प्रोडक्ट है उसका नाम है होम का वाईफाई बेस्ड होम ऑटो मशीन यूजिंग आर्डिनो। यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसका सर्किट बना हुआ है, तो मैं इसको बार बार इस सर्किट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वाईफाई मॉड्यूल। वाईफाई मॉड्यूल बेसिकली उसका नाम है ESP2266, ठीक है। और ये किस मॉड्यूल पे प्रोटोकॉल पे काम करता है, वो है TCP। इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हमारा वाईफाई, ये पूरी इस वाईफाई का मॉड्यूल है, और वाईफाई किस तरह इस आर्डिनो से कनेक्ट है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वाईफाई के ये जो पिंस लगी हुई हैं, इसकी ग्राउंड जो पिन है वो आर्डिनो की ग्राउंड पिन के साथ कनेक्टेड है। इसकी जो जो VCC जो आप +5 वोल्ट अप्लाई करते हो, सप्लाई करते हैं, वो इसकी आर्डिनो की +5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो पिनें यूज़ हो रही है TX और RX, वो बेसिकली जो आर्डिनो की TX और RX इसमें जो पिनें लगी हुई हैं वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये इसका वाईफाई का आर्डिनो के साथ कनेक्शन है। उसके बाद जो फर्दर जो सर्किट है वो काशिफ शर्मा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह आर्डिनो रिले के साथ। ये हमारा आर्डिनो सर्किट है। आर्डिनो सर्किट की ये हमारे पास 4, 5, 6, 7 जो है ना, ये चार हमारे पास जो पिने हैं, ये हमारी मुख्तलिफ चार रिलेज के साथ लगी हुई हैं। अब ये उतार के आपको बताना पड़ना है, लेकिन आपको मैं वैसे बताता हूँ। ये देखें, ये एक हर रिले सर्किट का ना एक अलहदा हमारे पास पूरा सर्किट है। ये देखें, एक रिले है ना, इसका ये इतना एक अलहदा सर्किट है। सेम इसी तरह इसका, ये देखें, सेम टू सेम इधर ये सर्किट है। इसी तरह इसका ये सेम टू सेम सर्किट है, इसका ये सेम टू सेम सर्किट है। हर रिले के साथ एक डायोड लगा होता है। अगर ये हम जब उस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के तौर पर ये काम करता है। और जैसे ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के तौर पर काम करता है, यानी कि जब हम प्लस वोल्टेज देंगे तो ये शॉर्ट होगा, जब शॉर्ट होगा तो ये आगे हमारे वोल्टेज आगे भेजेगा। और ये करंट जब कैपेसिटर्स में से आएगी, कैपेसिटर से आगे ये हमारे पास आएगा इंडक्टर। ये हमारे पास LED आई है, LED या ऑप्टो कपलर जो है ना, ये करंट LED जब किस वजह से ऑन होगी, ये कनेक्शन होगा ये ऑप्टो कपलर का। जब ऑप्टो कपलर के आपस में ये जो कनेक्शन है ना, ये दो पिने हैं ऑप्टो कपलर की, आपस में जब इन पे से वोल्टेज गुजरेंगे तो ये ट्रिक करेगा इसे हमारी रिले सर्किट को, ये हमारे रिले सर्किट को ट्रिक करेगा, जिसकी वजह से हमारी ये LED ऑन हो जाएगी। और बाकी ये हम आपको अगले सर्किट के बारे में कुछ बताते हैं। बेसिकली रिले का जो सर्किट है ना, बेसिकली जो रिले का सर्किट है वो हमारे पास एज ए स्विच काम कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रिलेज यूज़ किए हमने, उनको हमने होल्डर्स के साथ जो है ना कनेक्ट किया, ताकि हम ये बेसिकली हमने होल्डर्स को इसलिए यूज़ किया कि हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि हम जो है ना यहाँ पर फैंस और TV बल्ब वगैरह को, मतलब यहाँ पर हम प्रॉपरली वो एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हम बना सके। लिहाजा हमने इनको होल्डर्स लगा के जो है ना वो हमने डिस्प्ले कर दिया कि जी करंट ही हमने दिखाना है कि बल्ब जो है ना वो चल रहा है।